पर हील करके अच्छे से एंटिसिपेट करा और देखा कहां कहां मेरी टीम थोड़ा सा ट्रबल फेस कर सकती है, उस एरिया को मैं क्लियर कर दूं। आप देखो अगर ओजी के दो प्लेयर्स नॉक ना होते तो क्या रेगल टॉस और मॉर्टल ब्रिज के नीचे पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। क्योंकि मैं जानता हूं कि स्काउट हमेशा से अपनी टीम के लिए वो सैक्रिफाइसिंग रोल अदा करते आए हैं। उनका रोल यहां पे सिर्फ इतना है कि जो भी प्लेयर्स इनके प्लेयर्स को ट्रबल दे रहे हैं उनको ये ट्रबल देंगे और ये फिनिशेस निकालने का काम, यही रोल रहता है स्काउट का, आज से नहीं बहुत पहले से। और अगर इन्होंने यहां से तीन फिनिशेस भी निकाल दिए इनका काम हो गया, और ये अपना काम बहुत बखूबी तरीके से निकालते आए हैं। एनालिसिस यहां पर जितना किया था स्काउट का उसे बैक करते हुए फाइनली आज मैं ये चीज बोल सकता हूं कि विंटेज स्काउट इज बैक। इस नॉक को आप मत देखिए, जो मेंटालिटी है उसको देखिए, फिनिशेस देखिए, 6-9 हो गए। ही इज बैक एंड ही इज बैक, बैकफुट पे ले गया टीम गॉडलाइक को। सो बेसिकली यहां पर जो सैक्रिफाइसिंग रोल अदा इनकी तरफ से होने वाला था वो बहुत अच्छा था। हीलिंग्स भी सही टाइम पर लगाई, अपनी पोजीशन भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दी। देखिए डैमेज लगता है इनको, उसके बावजूद भी सही टाइम पर हील करके अच्छे से एंटिसिपेट करा और देखा कहां-कहां मेरी टीम थोड़ा सा ट्रबल फेस कर सकती है, उस एरिया को मैं क्लियर कर दूं। आप देखो अगर ओजी के दो प्लेयर्स नॉक ना होते तो क्या रेगल टॉस और मॉर्टल ब्रिज के नीचे पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। दैट वाज द की, दैट वाज द रोल।